हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द इलेक्ट्रिकल पॉइंट। आज बात करते हैं अल्टरनेटर के बारे में। अल्टरनेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसको एसी जनरेटर भी बोलते हैं। आज बात करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। इसमें भी दो ही भाग होते हैं, स्टेटर और रोटर। स्टेटर के अंदर भी वाइंडिंग होती है और रोटर के अंदर भी वाइंडिंग होती है। स्टेटर के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग होती है और रोटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग होती है। रोटर घूमने वाला पार्ट है और स्टेटर जो है स्थिर भाग है, स्टेटिक है, वो नहीं घूमता। अब बात करते हैं इसके पार्टों के बारे में। इसके नीचे सबसे पहले बेस होता है जिस पर ये टिका रहता है। रोटर जो है दो तरह के होते हैं, सेलिएंट पोल और सिलिंड्रिकल पोल। दो तरह के रोटर होते हैं। स्लिप रिंग होती है जिसके द्वारा इसको डीसी दी जाती है। पोल हेड है, पोल शू है। पोल हेड, पोल शू वाइंडिंग को रोकने के लिए होता है, फील्ड वाइंडिंग को, और पोल हेड जिस पर वाइंडिंग लपेटी जाती है। और आर्मेचर वाइंडिंग है जो स्टेटर में लपेटी जाती है, स्टेटर को दी जाती है। और आउटपुट वोल्टेज के तीन टर्मिनल आप देख रहे हैं, थ्री फेज के, स्टेटर कोर के ऊपर। स्टेटर में वाइंडिंग के स्लॉट बने रहते हैं और रोटर में वाइंडिंग के स्लॉट बने रहते हैं। अब रोटर जो है घूमने वाला पार्ट है जिसको हम किसी टर्बाइन से या प्राइम मूवर से घुमाते हैं और उसमें फील्ड जनरेट होता है। फील्ड कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है जिससे आर्मेचर के अंदर EMF जनरेट होता है। इसकी वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में अगली वीडियो में बताएंगे। इसमें केवल कंस्ट्रक्शन के बारे में आपने जाना कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, कौन सा पार्ट घूमने वाला होता है और कौन सा स्टैटिक होता है। इस वीडियो संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।